ज्ञान के सहारे से। पूरी दुनिया के वे बड़े बड़े उलझनों से भरे हुए कृत्य बदले जा सकते हैं, उन्हें संतुलित किया जा सकता है, उन्हें समन्वित किया जा सकता है। पूरे विश्व में होती हुई हिंसाएं, ये फैली हुई अशांति, ये चोरियों की घटनाएं, ये बड़ी बड़ी डकैतियों की घटनाएं, या फिर अनेकों प्रकार के पाप कर्म जो पूरे विश्व में होते हुए दिख रहे हैं, ये सब अज्ञान के ही परिणाम। यदि ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो ये दंगे, ये फसाद, ये हिंसाएं, ये अशांति, ये युद्ध, ये बम बारूद के खेल, ये सब नष्ट हो जाएंगे। ये विचित्र विचित्र प्रकार के अपराध, ये विचित्र विचित्र प्रकार के नकारात्मक क्रियाकलाप, ये विचित्र विचित्र प्रकार के पाप कर्मों से ओतप्रोत घटनाएं, ये अलग अलग प्रकार के अमानवीय कृत्य, ये सत्कर्मों, सदराहों, सद्गुणों, सदचरित्रों, सकारात्मकताओं, सत्य से, न्याय से, धर्म ईमानदारी से, मानवता से, शांति अहिंसा से, सरलता सादगी निर्मलता निश्चलता पवित्रता से, इन सभी से दूर जाती हुई ये राहें सब बदल से जाएंगी, सब सकारात्मकताओं में परिवर्तित हो जाएंगे। वे सभी घटनाएं जो आज हम सबको परेशान कर रही हैं, वे सब ज्ञान के जगते ही स्वयं ही नष्ट हो जाएंगी, स्वयं ही समाप्त हो जाएंगी। जब ये सभी नकारात्मक गतिविधियां, ये पाप कर्म, ये सभी घटनाएं समाप्त हो जाएंगी, तब एक नए वातावरण का उदय होगा, जिस वातावरण में सुख ही सुख होगा, आनंद ही आनंद होगा, ब्रह्मानंद ही ब्रह्मानंद होगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, पर यह कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जब तक ये बड़े परिवर्तन नहीं होंगे, तब तक ये समाज, देश, दुनिया सब व्याकुलता से ओतप्रोत रहेंगे।
इस सृष्टि का, इस दुनिया का नियम ही यही है, जो जैसा जैसा कर्म करेगा उसको वैसा वैसा ही फल मिलेगा। ज्ञान की शरण में हम जाएंगे, ज्ञान की प्राप्ति की हम कोशिशें करेंगे, तो हमें इनके सकारात्मक और अच्छे परिणाम निश्चित ही मिलकर रहेंगे। ये प्रकृति का नियम है।